हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए, आज हमारे घर में क्या बनने वाला है, तो मैं आप सबको हाथ जोड़ कर छोटों बड़ों को प्रणाम करती हूँ, छोटों को प्यार देती हूँ और बड़ों को प्रणाम करती हूँ। मैं बिहार बक्सर से हूँ। तो आज देखिए, मेरे घर में दाल खत्म हो चुका है, तो आज मैं नए तरीके से आज सब्जी बनाऊंगी, पनीर का और आलू का। आपको टोटल में दिखाऊंगी कि कैसे बनेगा ये, क्योंकि दाल तो खत्म है तो चावल हम कैसे खा सकते हैं। हम सोच ही रहे थे कि क्या करें क्या करें क्या करें, तो आकर किसी ने हमसे बोला है कि जैसे आपने एक बार बनाया था उसी तरह आज भी सब्जी बना दो, दाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहमान लोग भी खुश हो जाएंगे आज। तो देखिए, मैं इसको भी फ्राई करूँगी पूरा, इसको ब्राउन कलर का हो जाएगा ये, ब्राउन नहीं रेड करूंगी आज इसको मैं। देखिए दोस्तों, ये मैं पनीर एकदम भून करके गोल्डन कलर का हो गया, मैं अब इसको निकालूंगी। तो देखिए, मैं है ना अभी पनीर निकाल लिया है, अब मैं इसमें प्याज पहले भून लूंगी, और मैंने मीडियम साइज का आलू लिया है जिसको उबाल दिया है हमने, देखिए ये, और मैं इसको सिर्फ ऐसा ही इतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मैं आलू छीलने में मेरा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा पहले प्याज और मसाला ही भून देती हूँ। मैं इसमें प्याज डालूंगी, और मसाले में तैयार कर लिया है, जीरा है, काली मिर्च है, दो चार हरा मिर्च है और लहसुन है बस। हम इतना ही मसाला यूज करते हैं, मीट बनाए या मछली बनाए, मैं ज़्यादा मसाला यूज नहीं करती हूँ। और ये जो ज़्यादा आपको तेल दिख रहा है, तेल को मैं प्याज में इसमें स्थान पर जब ब्राउन हो जाएगा तो मैं प्याज निकाल के इसी में मसाला फ्राई करूँगी। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये प्याज देखिए भून करके एकदम ब्राउन हो गया है, और देखिए हाँ, अब इसमें आलू फ्राई करूँगी। तो देखिए, मैंने मीडियम साइज का ही आलू लिया है और इसको काटने की जरूरत नहीं है, मैं इसको इस तरह करके फोड़ लूँगी सारे आलू को। और हाँ, मुझे छोटा आलू ही ज़्यादा पसंद है, बड़ा आलू मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि इसमें नमक ना अंदर तक चला जाता है और बड़ा आलू में स्वाद भी नहीं आता है और बहुत मतलब। तो अब देखिए, मैं इसमें आलू फ्राई करूँगी पहले, उसके बाद में मसाला और टमाटर का फ्राई करूँगी। मैंने इसको 5 मिनट भून लिया है, मेरा आलू भी देखिए ब्राउन कलर का हो चुका है, मैं इसको दूसरे बॉल में निकाल लूंगी। अब मैं इसमें फिर से तेल डालूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें ये मसाला यूज करूंगी, प्याज ही
इसी में टमाटर भी मैं इसी में डाल दूँगी। कोई पास में भूनूंगी या मेरा गल टमाटर मेरा गल जाएगा तो ये मैं इसमें और भी सब्जी डाल सकती हूँ। देखिए मेरा प्याज एकदम टमाटर एकदम गल गया है। मैं जो प्याज निकालती हूँ भूनकर मैं इसको भी इसमें अभी ऐड कर दूँगी। तो देखिए ये मेरा मसाला भी भूनकर एकदम तैयार हो चुका है। देखिए मेरा मसाला तेज छोड़ने लगा है। अब तो अब मैं इसमें ना जो आलू फ्राई की थी उसको मैं इसमें ऐड करूँगी और इसमें पनीर भी मैं अभी इसमें डाल दूँगी। स्वाद अनुसार नमक डालना है। देखिए मेरा सब्जी भून कर एकदम कलरफुल हो गया है और मैं इसे पानी यूज करूँगी। और हाँ इसको हम बोलते हैं आलू पनीर। जब भी आपके घर में कोई भी मेहमान आते हैं और नहीं है सब्जी नहीं है दाल नहीं है तो शॉर्टकट में आप जा सकती हैं और फिर आपको जो भी गेस्ट आएंगे वो आपका बड़ाई ही करेंगे बुराई नहीं करेंगे बोलेंगे कि बहुत अच्छी सब्जी बनी थी दाल भी कोई नहीं मांगेगा। अगर आप ये सब्जी दे दोगे उनको खाने ना तो दाल भी नहीं मांगेंगे और बच्चे तो इसी तरह चम्मच से ले 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 लेकर दिन में खा जाते हैं कितना भी मैं बनाती हूँ। मैं इसको 5 मिनट उबालूंगी उसके बाद फिर इसमें आलू पनीर मटर पनीर का मसाला डालूंगी। तो देखिए दोस्तों ये मैं सब्जी बनकर तैयार है। अब मैं इसमें ना पनीर आलू मसाला यूज करूंगी। अब मैं इसमें ना धनिया पत्ता का गार्निश करूंगी। हरी मिर्च है ये देखिए। अब मैं इसको ना दूसरे बोल में निकाल रही हूँ क्योंकि हमारा देखिए सब्जी एकदम टेस्टी है दाल की भी जरूरत नहीं है बच्चे भी चाव से खाएंगे आपके। और हम आप लोग से यही विनती कर रहे हैं कि मेरे भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट लिख करके हमको दीजिए क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। हम मेहनत इतना करते हैं फिर भी हमारे साथ पता नहीं क्या किसी को दुश्मनी है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो जान दीजिए बाहर वाला का कोई साथ नहीं देगा लेकिन हाँ मेरे बिहार और बक्सर के भाई बहन दोस्त जो भी हैं बच्चे वो सब मेरे साथ है। देखिए सारा यहाँ फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ देखिए धनिया पत्ता मैंने बचा के रख लिया था और ये हरी मिर्च है देखिए। अब आप इसको ना चावल के साथ खाइए चाहे पराठे रोटी के साथ खाइए चाहे पूरी के साथ खाइए बहुत मस्त लगेगा। ये नाम आपको याद है ना कौन सा ये रेसिपी है मटर मटर नहीं मटर नहीं थोड़ा जवान लड़का आ गया दोस्तों मटर नहीं है पनीर आलू दम। तो चलिए मैं आप लोग से बहुत उम्मीद लगाए बैठी हूँ आप लोग मेरा साथ दीजिए हम भी आपकी बहन बेटी चाहे जो भी हो हम आपके लिए हैं। तो आप लोग भी मेरे बड़े होने का फर्ज निभाइए कि आप लोग मेरे बड़े भाई बहन हो दोस्त हो बच्चे हैं मेरे तो आप सबका प्यार मुझे मिलता रहेगा मैं इसी तरह वीडियो बनाकर डालती रहूँगी। थैंक यू।